आज का हमारा टॉपिक है सनफ्लावर। वैसे तो सनफ्लावर की बहुत सारी वैरायटी है, लेकिन हमने सनफ्लावर टेडी बियर लिया है। तो चलिए आज हम इसके बारे में, सीड्स उगाने के बारे में बात करते हैं कि इसको देखभाल कैसे करते हैं। तो मैं आपको कुछ टिप्स शेयर करती हूँ। तो सबसे पहले हम जो सूरजमुखी के बीजों को उगाने का सही समय है वो जान लेते हैं। तो इसका सही समय फरवरी महीने से लेकर अप्रैल की शुरुआत तक लगा सकते हैं। हम बात करते हैं कि बीजों को कैसे उगाया जाए। मैं आपको अपने बीज दिखाती हूँ। मेरे देखिए कि मेरे बीज की क्वालिटी कितनी अच्छी दिख रही है। तो आप वैसे ही अच्छी क्वालिटी के बीज लें, जिससे आपका बीज खराब नहीं होगा और पौधा अच्छा ग्रोथ करेगा। तो सबसे पहले हम इसकी मिट्टी तैयार कर लेते हैं, जान लेते हैं कि हमने इसमें क्या क्या लिया है। तो मैंने 60% कोकोपीट, 15% गार्डन सॉइल, 50% गोबर की खाद और 10% वर्मी कंपोस्ट लिया है। तो अब मैं इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेती हूँ। ये मेरा सॉइल मिक्सचर तैयार हो गया है, जिसका यूज़ मैं बीज उगाने के लिए करूँगी। आप कोई भी पॉट ले सकते हैं जिसमें पानी ना रुके, वेल ड्रेन हो, मतलब हम पानी डालें और एक्स्ट्रा पानी नीचे से निकल जाए। अभी मैं इस छोटे से चीज़ में बीज लगा रही हूँ, जिसमें मैंने पहले से ही छेद कर रखा है। जब बीजों की ग्रोथ हो जाएगी तब मैं इससे दूसरे पॉट में शिफ्ट कर दूँगी। चलिए अब जो मैंने मिक्सचर तैयार किया है वो डाल लेती हूँ। अब मैं इसमें बीज डालूंगी, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता दूँ कि आप इसको मिट्टी से पूरा ना भरें। गमले में ऊपर से 2 इंच का गैप होना चाहिए, क्योंकि जब हम सीड्स लगाएंगे तो उसके ऊपर 1/2 इंच का मिट्टी और कवर करेंगे। ध्यान रहे कि बीजों के बीच की दूरी 2 से 3 इंच रहे, इससे अच्छे से ग्रोथ करते हैं बीज। तो अब मैं बीज लगा रही हूँ, उसके बाद 1/2 इंच तक मिट्टी से कवर कर दूंगी और स्प्रे की मदद से मैं इस पे पानी डालूंगी। आप हमेशा पॉट में स्प्रे बॉटल से ही पानी दें, ताकि बीज अपनी जगह से हिले नहीं। तो अब मैंने बीज लगा दिया है, इसका रिजल्ट मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में जरूर शेयर करूंगी। तो ऐसी और इंफॉर्मेशन के लिए मेरे इस चैनल से जुड़े रहें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।